का आईडी ली है, अगर वो प्रॉपर रेडी नहीं थे तो क्यों दिया गया? सर इस तरीके की दिखाओ भाई, जूम करो, प्रधान जी दिखाओ। हम दो साल में पहली बार प्रधान जी मिले हैं, आप लोगों के हाथ में, आप रेजिडेंट हो यहाँ के, आप प्रधान जी चेंज करो। हम मालिक को भी बोल बैठे। रेजिडेंसी के 1 BHK फ्लैट्स का क्या कुछ है रहस्य, इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा। आइए सुनते हैं क्या SHO साहब ने कहा। ना तो किसी भी किसी आउट इनका कोई एंट्री है, और कौन कस्टमर है, कौन कस्टमर जा रहा है, और मकान मालिक है जो श्याम सिंह है, जो मकान जो इसका रूम का मालिक है, जिसने उसको रेंट पे दिया है, लेकिन उसके पास उसकी कोई भी आईडी या किसी सोसाइटी के पास कोई आईडी मुझे। रास रेजिडेंसी में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर ज़्यादातर जो 1 BHK फ्लैट्स हैं वो कहीं ना कहीं किराए पर दिए हुए हैं या फिर खाली पड़े हुए हैं। चौथी मंजिल पर इस समय हम मौजूद हैं, जहां से एक व्यक्ति के कूदने के बाद पूरी की पूरी सोसाइटी में सनसनी फैल गई। वो कूदा था या फिर ये एक मर्डर था, ये फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का इशू बताया जा रहा है। व्यक्ति की बॉडी को फिलहाल कल्पना चावला के पोस्टमार्टम हाउस में लेकर जाया गया है। 3233 SHO हो या फिर 112 की टीम, सब जो पुलिस है वो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। FSL की टीम जो है वो भी मौके पर पहुंची हुई है। एक बार मैं ऊपर चलकर आपको दिखाऊंगी भी, जो यहाँ के कमरे हैं वो भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से एक सुनसान पड़ी बिल्डिंग के अंदर ऊपर जो है चौथी मंजिल पर वो व्यक्ति एक कमरे के अंदर रह रहा था, जिस बिल्डिंग की ना तो लिफ्ट चलती है ना ही कोई मेंटेनेंस हुई हुई है। आखिरकार इस तरीके से कोई किस तरीके से रूम जो है दे देता है रेंट पर। ये देखिए इस तरीके के जो फ्लैट्स हैं वो बने हुए हैं, एक कमरा बना हुआ है। 1 BHK फ्लैट्स जो हैं ये हैं, अभी एक जो है खुला हुआ है, मैं आपको दिखा दूं। इस तरीके के, जी हाँ, इस तरीके के 1 BHK फ्लैट्स यहाँ पर बने हुए हैं सोसाइटी में, जिनका किराया भी काफ़ी ज़्यादा कम बताया जाता है। इसी तरीके के एक फ्लैट में, साथ वाले में वो व्यक्ति रह रहा था। ये क्या, तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसी ज़मीन पर जो है ऊपर चौथी मंजिल से वो व्यक्ति गिरा था, लेकिन वो व्यक्ति रह रहा था और एक कमरे के अंदर 1 BHK फ्लैट के अंदर जो है वो व्यक्ति रह रहा था। और किस तरीके से चौथी मंजिल से वो खुद कूदा या फिर ये एक मर्डर है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सोसाइटी के लोगों में कहीं ना कहीं सनसनी ज़रूर फैल गई है। लोग, बच्चे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए ज़रूर हैं कि आखिर कार सही सलामत काफी टाइम से यहां पर जो व्यक्ति रेंट पर रह रहा था वो एकदम से ऐसे कैसे गिर जाता है। हालांकि आसपास के लोगों से जब बातचीत की गई तो कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर कोई भी इस तरीके के फ्लैट्स में रहने आता है, ज्यादातर फ्लैट्स पहली बात किराए पर है, और दूसरी बात अगर कोई भी यहां पर रहने आता है तो वो अंदर जाकर लॉक कर लेता है, किसी को यहां पर किसी से कोई भी मतलब नहीं है। स्पेसिफिकली इन 1 BHK फ्लैट्स की अगर बात करें, क्योंकि रेंट भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है और 90% 1 BHK फ्लैट्स जो हैं वो यहाँ पर रेंट पर ही दिए गए हैं। अभी जो SHO मौके पर पहुँचे थे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर करें। रास रेजिडेंसी के 1 BHK फ्लैट्स की अगर मैं बात करूं, वहां पर काफ़ी ज़्यादा सुनसान सा है, कोई रह नहीं रहा, मेंटेनेंस के नाम पर ज़ीरो। अभी तक या तो पूरे फ्लैट्स बने नहीं हैं, क्योंकि लिफ्ट भी हमने देखा वहां पर ख़राब पड़ी हुई थी। लेकिन ऐसे में उस व्यक्ति को किस लिए फ्लैट दिया गया और वो वहां कब से रह रहा था, इसकी जानकारी ना तो ज़्यादा किसी को है, ना ही कोई यहां पर बताने को तैयार है। अब इसका जिम्मेवार आखिरकार कौन है? क्या वो फ्लैट ओनर जिसके द्वारा वो फ्लैट रेंट पर दिया गया था, या फिर कोई और सोसाइटी के कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? हम 6 साल हो गए मैडम यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। और ये 1 BHK जो है ये हमारे बैक साइड में पड़ता है, हम फ्रंट में रहते हैं, और ये एक जो है इसके ओनर का, और जो यहाँ पे जो देख रहे हैं सोसाइटी को जो देख रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी आईडी लेके तब प्रॉपर उसको फ्लैट को दिया जाए। अगर वो उस फ्लैट के ओनर है मिस्टर अनिल गुप्ता जी है, और जो यहाँ पे मैन होली सोली जो देख रहे हैं वो भीम जी है, उनका आईडी ली है, अगर वो प्रॉपर रेडी नहीं थे तो क्यों दिया गया?
सर इस तरीके की बातें भी निकल कर सामने आ रही है कि जो 1 BHK फ्लैट्स है या तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को दे दिए जाते हैं हजार हजार रुपए रेंट है कि चलो भाई यहाँ पर गंद मचाओ आकर, ऐसा भी कोई बात है या सिर्फ ये अफवाहें हैं सोसाइटी के बारे में? मैम इसकी हमें जानकारी नहीं है क्योंकि हमारा ये फ्रंट में है, हम फ्रंट में रहते हैं, उधर हमारा वास्ता भी नहीं पड़ता 1 BHK की तरफ जाने का जो है। लेकिन आपको क्या लगता है ये चीज ठीक थी कि पूरा फ्लोर नीचे वाला ऊपर वाला सारा खाली अकेला बंदा ऊपर रह रहा है और फ्लैट दिया हुआ रेंट पे? वो जब भी कोई दिया जाए उसकी आईडी ली जाए और प्रॉपर अगर रेडी होगा तो तभी देने का बनता है। सोसाइटी के कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर आप कब से रह रहे हैं इस सोसाइटी में? 2 साल हुए। 2 साल हुए, कभी पहले कोई ऐसी चीज देखी आपने? नहीं, पहली बार ही हुआ है सर मेरे ख्याल। पहली बार ही हुआ है, तो क्या लग रहा है मतलब नाम पता है आपको? आप ये मैडम इनकी जानकारी, ये सोसाइटी के प्रधान जी है, वो निकल गए। प्रधान जी तो भाग रहे हैं आपके, वो निकल गए। प्रधान जी दिखाओ भाई, जूम करो प्रधान जी दिखाओ। हम 2 साल में पहली बार प्रधान जी मिले हैं। आप लोगों के हाथ में आप रेजिडेंट हो यहाँ के, आप प्रधान जी चेंज करो। हम मालिक को भी बोल बैठे, हमारे जोन से यहाँ कार्यकर्ता उनको भी बोल बैठे। हमारे तो प्रधान जी से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेश शर्मा। सुरेश जी क्या जानकारी है, प्रधान है सोसाइटी के, 1 BHK फ्लैट है, ऊपर नीचे सारी मंजिल खाली पड़ी है, उस अकेले व्यक्ति को फ्लैट दिया था, कौन था, क्या नाम है? मैडम जो सेल किया है वो दे दिए उसने, मालिक ने। आप पता क्या है वहाँ, एक तो डेवलपर नहीं है वो, ठीक है, जो बंदे वहाँ जिनके फ्लैट है जिनको हमने दे, जिनको मालिक ने दे दिए, वो उन्होंने आगे किराए पे दे दिए, वो तो वही बताएगा भी फिर जो जिसने किराए पे दिया क्यों दिया, आईडी क्यों ली, कौन है उस फ्लैट के? उस फ्लैट के पुलिस वालों के साथ है, पुलिस वालों के साथ। अब आपकी सोसाइटी वालों का आपके सामने ये कहना कि 2 साल बाद आज शक्ल दिखी हमें प्रधान जी, प्रधान जी कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं प्रधान जी? मैडम मैं 8/2 में रहता हूँ, मेरा अपना मकान है। नहीं अपना मकान तो है, प्रधान जी दिखते क्यों नहीं है? दिखते मेरे 5-7 आदमी बैठे हैं, वो मेरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं। कह रहे 5-7 आदमी बिठा रखे हैं प्रधान जी। प्रधान जी का रेजिडेंस यहाँ पे रास में है कि सेक्टर 6 में है ये मुझे? सेलेक्ट तो सर आपने किए होंगे? नहीं नहीं, कोई क्या क्या सिस्टम रहता है, कोई इलेक्शन? बिल्डर ने पहले ही सेलेक्ट करके रखे हैं इनको अपने। अच्छा। बिल्डर ने पहले ही सेलेक्ट करके, हमारी सहमति से नहीं है। आप देख सकते हैं सोसाइटी के लोग जो हैं जी। मैडम मैं तो ये कह रहा, मैंने भाई तुम अपना प्रधान वोट बना लो, मैं कब इनको इनके ऊपर? वो कह रहे बिल्डर जी ने पहले सेलेक्ट कर रखे, और कैसे बना ले? उस टाइम तो ये थे ही नहीं यहाँ मैडम, जब बिल्डर ने मेरे को सिलेक्ट किया ये यहाँ नहीं थे, ये तो बाद में आया, तो शुरू में तो वो अपने बंदा बैठाएगा वो। जब ये अभी यहाँ 200 बंदे बैठे हैं, भी तुम अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाते, या नहीं उठानी चाहिए? अभी अब तो आप भी सियाने हो, समझदार हो, ये आप देख सकते हैं। हालांकि सोसाइटीज की अगर मैं बात करूँ वैसे तो सिक्योरिटी के नाम पर हर आने जाने वाले व्यक्ति की यहाँ से चेकिंग भी की जाती है, जब भी कोई आता है पहले उसकी गाड़ी नंबर नोट की जाती है रजिस्टर में, उससे पूछा जाता है कहाँ जाना है, उसके बाद ही जो है उस व्यक्ति को एंट्री मिलती है। फिलहाल पुलिस भी जो है मौके पर पहुंची हुई है, इन्वेस्टिगेशन के लिए उस साइड गई हुई है। एक बार बातचीत कर लेते हैं, जो गेट कीपर्स है यहाँ पर, यहीं पर ड्यूटी होती है भैया आपकी? रात को हुआ है मैम ये। रात को हुआ है, क्या नाम था उस लड़के का? नाम नहीं पता मैम, हम तो दिन में होते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 8 बजे चले जाते हैं। आते जाते चेकिंग तो आप लोग करते हो ना, कभी रात को भी आया गया होगा? मैम वो परमानेंट कह रहे हैं, परमानेंट रह रहा है यहाँ से, परमानेंट की कितने टाइम से रह रहा था? कह रहे 3-4 महीने से रह रहा था। तो रात कितने बजे खुद कुछ पता चला? ये नहीं पता सर। आपकी तो रात को ड्यूटी होती है, आप कह रहे हो नहीं पता चला? नहीं रात को ये होते हैं अंकल जी, होते हैं एक दूसरे अंकल। कौन से अंकल जी? एक मिनट, ये वाले अंकल जी होते हैं रात को, एक ये रात को इनकी ड्यूटी होती है, एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं कि भाई क्या पता चला था, कैसे वो व्यक्ति कूदा है। रात को आपकी ड्यूटी होती है? हाँ जी हाँ जी। कैसे कूदा वो व्यक्ति, क्या पता चला था? मार को नहीं पता जी, हम गेट पे होते हैं। अच्छा वैसे आपको कब पता चला? मार को तो सुबह 5 बजे पता चला जी। 5 बजे? हाँ जी। किसने बताया? वो गार्ड पीछे से आया था। अच्छा। उसने बताया था जी। तो जमीन पे गिरा हुआ था वो? हाँ गिरा हुआ था जी। अच्छा नाम क्या था उसका? नाम मार को। तो फिर उसके बाद आपने पुलिस को फोन किया? नहीं जी, हम सुपरवाइजर को लेके गए थे साथ। अच्छा। तो वहाँ जाके मौके पे दिखा दिया जी, ये बंदा रात पड़ा है, पता नहीं कब का पड़ा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपने वैसे उसको कभी आते जाते देखा था सोसाइटी से बाहर अंदर? ना जी। आपकी ड्यूटी होती है गेट पे? हाँ जी हाँ जी। तो फिर आपने कभी नहीं देखा उसको? हम नाम ही नहीं जानते उसका जी। अच्छा। मैं तो नया लगा हुआ ना जी। 2 महीने हुए, बाकी उसको पुराने बंदे को पता है, वो गार्ड जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हर कोई हाथ खड़े करते नजर आ रहा है उस व्यक्ति का, ना तो किसी को नाम पता है, ना किसी को ये पता कि भाई कैसे कब वो आता जाता था सोसाइटी में, किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज खड़ी कर दी जाती है मेंटेनेंस के नाम पर, इतने रुपए हर किसी से वसूले
जाते हैं, लेकिन क्या अंदर की सच्चाई है सोसाइटीज की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इसे जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर दे, कुछ और लोग भी उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, किसी भी गेट कीपर ने आज तक देखा तक नहीं था उनको, क्या क्या मामला है ये? ना जो गार्ड होते हैं वो ड्यूटी में होते हैं, दो रात वाले से भी पूछ लिया, दिन वाले से पूछ लिया, कह रहे हमने तो आज तक नाम भी नहीं पता ना हमने कभी उसको देखा। तो ये जानकारी आप यहाँ के सुपरवाइजर को बोलो ना, उनको भाई आपके गार्ड को कुछ भी नहीं पता, हम तो रह रहे हैं। आप लोग यहाँ ही रहते हो, क्या लगता है फिर इस हिसाब से सेफ है ये सोसाइटी? बिल्कुल भी सेफ नहीं। क्या पता किसी ने धक्का दिया हो सकता है ना, आई नो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, धक्का दिया हो या खुद गिरा हो वो भी, लेकिन गार्ड की इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें तो ओनर है, ओनर को उसकी आईडी लेके तब उसको किराए पर देना चाहिए था। आप देख सकते हैं पुलिस भी जो है फिलहाल मौके पर पहुंची हुई थी, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पवन जी क्या कुछ कहां गए थे देखने के लिए, ओनर से बात हुई है, क्या बताया गया है? अभी ओनर से बात हो रही है जी, पीछे है वहाँ जो घटना स्थल है। क्या नाम था व्यक्ति का? ऋषभ, ऋषभ नाम था। कब से रह रहा था या क्या सूचना मिली है? सूचना मिली है अभी 1.5-2 महीने से रेंट पे रह रहा था यहाँ। अच्छा, गार्ड ने तो किसी ने भी आते जाते देखा नहीं उसको यहाँ? अभी तो जांच कर रहे हैं इसके बारे में, फोटेज वगैरह चेक कर रहे हैं। करीब करीब 25-30 के बीच की रही। कोई आईडी प्रूफ मिला उसका? ना अभी कोई आईडी प्रूफ नहीं मिला। किसका फ्लैट था जिसमें रह रहा था वो? मिली है किसका फ्लैट था, ओनर कौन था, नाम क्या ओनर का? ओनर का नाम में लिखा हुआ श्याम नाम से है। श्याम आगे श्याम सुंदर है कोई इस तरह का? श्याम सुंदर जी का है। कितने बजे गिरा था ऊपर से कुछ पता चला? अभी कुछ नहीं, रात के बता रहे घटना, हमें सुबह 7 बजे के आसपास ही सूचना मिली थी, उसके आधार पर आए थे, कार्रवाई कर रहे हैं। पता है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी तक कोई भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन पुलिस के हाथ भी नहीं लगी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, किसी गार्ड ने कभी उसको अंदर आते जाते देखा नहीं। 1 BHK फ्लैट्स जितने भी यहाँ पर हैं वो मेंटेन्ड बिल्कुल भी नहीं है, मेंटेनेंस के नाम पर इतने इतने रुपए जो है सभी से लिए जरूर जाते हैं। कोई भी जो है कोई भी व्यक्ति उसे जानता नहीं था, उसकी एज लगभग 25-30 के बीच में बताई जा रही है, 2 महीने से पिछले बताया जा रहा है कि शायद वो यहाँ पर रह रहा था, ऋषभ उस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन का इशू है कि वो खुद छत से कूदा, ये सुसाइड थी या फिर किसी ने धक्का दिया, ये एक मर्डर था, क्योंकि अभी तक तो एग्जैक्ट टाइमिंग जो है वो भी नहीं पता कि आखिरकार वो व्यक्ति ऊपर से नीचे गिरा कब और कैसे। अभी फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। इस खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे नीरा माटा के साथ टिपटॉप हरियाणा पर, धन्यवाद। 32-33 जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, सुबह से यहीं पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन इन्हें मिल पाई है उस पर भी बातचीत करेंगे, और भी पुलिस जो है वो भी मौके पर पहुंची हुई है। फ्लैट्स का क्या कुछ रहस्य है, स्पेसिफिकली अगर 1 BHK फ्लैट्स की बात की जाए, आइए बातचीत करते हैं, क्योंकि अगर रेजिडेंट्स की बात की जाए वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं नजर आ रहे, चाहे सुपरवाइजर हो या फिर जो प्रधान है सोसाइटी के उनसे भी। आइए बातचीत करते हैं एक बार SHO साहब से। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, जानकारी ले लेते हैं क्या मामला है सर? सुबह तो सुबह करीब 6:40 पे मेरे पास मेरी ERV 411 का टेलीफोन आया था कि भाई के इसमें रास रेजिडेंस के अंदर कोई डेड बॉडी मिली है। तो सूचना पा करके मैं अपनी टीम से ही तो मौके पर पहुंचा। यहां पर आकर के तो मैंने यहां के जो 5-7 जो व्यक्ति थे मोजिन, मैंने उनको भी अपने साथ में लिया, देखा कि जो ये अपना टावर है 14 और 13, इसके बीच में जो नीचे पार्किंग टाइप में बीच में गैलरी बनी हुई है उसके अंदर जो डेड बॉडी गिरी हुई थी, जो उसका निरीक्षण किया तो उसके जिस तरह से नीले पैंट की जीन्स और ब्लैक कलर की इसमें कमीज के टाइप में जिस तरह से टी शर्ट टाइप पहनी हुई थी। रहने वाला कहाँ का? रहने वाला इसका पता लगा बाद में, आइडेंटिफिकेशन हुई कि इसका नाम ऋषभ राणा है और इसके फादर का नाम मदन लाल राणा है, जो हिमाचल कांगड़ा से रहने वाला है, जो यहाँ किसी कंपनी में का है, जो सेल्समैन काम करता था, यहाँ पहले रूम नंबर 401 में करीब 1 महीना रेंट पे रहा, उसके बाद रूम नंबर 212 में जो अब करीब 1.5 महीने से रहा हुआ था। क्या लगता है तौर पे, क्या लग रहा है हत्या आत्महत्या क्या लग रही है? अभी जो हमने कहीं से क्लू आया है, जो इसके बार बार जो टेलीफोन बज रहे थे हमारी सीनो क्राइम टीम आने के बाद हमने उनको कब्जे में लिया है,
जो बार बार टेलीफोन आए हुए हैं, जिस हिसाब से जो हमारे सामने आवाज़ आई है, जो अभी फिलहाल के ऊपर सबसे पहले पोस्टमार्टम और उनके परिजनों को हैंड ओवर करना है, बॉडी का सबसे पहले मोटिव काम यही है कि ताकि उनकी संतुष्टि कराई जा सके और उनकी संतुष्टि हो सके। सर, जिनके मकान में रह रहे थे, क्या उन्होंने कोई जानकारी दी, उन्होंने आइडेंटिफिकेशन करवाई थी किराए पर रखने से पहले? मकान के अंदर जो मैंने देखा है, जो इस राज रेजिडेंस के अंदर सबसे कमजोरी यही वीकनेस पॉइंट मिला है कि ना तो किसी आउट इन का कोई एंट्री है, और कौन किस टाइम आ रहा है, कौन किस टाइम जा रहा है, और मकान मालिक है जो श्याम सिंह है, जो मकान जो इसका रूम का मालिक है, जिसने उसको रेंट पे दिया है, लेकिन उसके पास उसकी कोई भी आईडी या किसी सोसाइटी के पास कोई आईडी मुझे सर, ना तो ऊपर वाले फ्लोर पे कोई है, ना नीचे वाले फ्लोर पे कोई है, पूरे फ्लोर पे अकेला व्यक्ति रह रहा था, बिना आईडी प्रूफ दिए रह रहा था। क्या लगता है मकान मालिक की गलती है, बिना आईडी कैसे नहीं रखना चाहिए? ये बिल्कुल श्योर है, ये हमारे पहले भी अफसर अंबाला से आदेश हुए हैं, डीसी साहब की तरफ से भी आदेश हुए हैं, और हमारे पर्सनल थाना बेस पर भी आदेश हो चुके हैं कि भी कोई भी रेंट पर रखने से पहले उसकी वेरिफिकेशन कराई जाए, और उसको जब भी वेरिफिकेशन होने तक उसको अपनी निगरानी में रखे, और जो भी वेरिफिकेशन हो सकता है, कोई भी क्रिमिनल आदमी कोई भी कहीं पर रह जाए, इस बगैर तो इसका तो ये इसका मोटिव तो फिर यही होगा कि कोई भी क्राइम करो चले जाओ। परिवार को बने हुए तो इसी तरीके के लोगों को फिर सहारा दे रहे हैं, बिल्कुल इससे कम रेंट है, कोई भी आके ले लेगा। इससे पहले भी आपको ध्यान हो कि एक लड़का किडनैप हुआ था, और इसमें अपने पाम रेजिडेंसी के अंदर वो 3-4 दिन वो वहीं पर रखा गया था, तो इसका मतलब तो सोसाइटी का तो कोई फायदा ही नहीं है, ये तो मतलब एक अपना एक दिखावा किया हुआ है। इसकी क्या है, यहाँ वेलफेयर सोसाइटी बनी हुई है, मकान मालिक ने नहीं पता कौन बंदा आ रहा है, कौन जा रहा है, और कमरे पर सोसाइटी जो गार्ड रखे हुए हैं, इनकी भी कोई एंट्री नहीं है, कौन किस टाइम आ रहा है, कौन किस टाइम।